क्लास टेंथ चैप्टर सेकंड हिस्ट्री, ये अपना चल रहा था। पार्ट थर्ड के अंदर मैंने आपको हुमायूं के बारे में मैंने बताया था कि हुमायूं मैंने 24 जनवरी 1556 को है ना ये बीमार हो गया था और एक मेजर इंजरी हो गई थी, एक बहुत बड़ी इसके साथ दुर्घटना हो गई थी और उस दुर्घटना के तहत ये अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके मर गया था। अब इस चैप्टर इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट फोर्थ के अंदर हम सूर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि जो सूर्य एम्पायर जो हुआ था इसमें हंसन खान सन, जो हंसन खान का पुत्र था जिसका नाम था फरीद खान, जिसे है ना शेर खान के रूप में भी है ना जाना गया था, बरदा फाउंडर ऑफ द सूर एम्पायर, ये सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसने अपने पद को धारण किया था विद द टाइटल ऑफ द शेर खान, शेर खान के स्थान पर जो कि ना बिहार बहार खान के रूप में। एट द टाइम ऑफ वाज द मालदीव ही वन वेरी डिफ़िकल्टी, और जैसा कि ये जो समय था ये बहुत ही है ना डिफ़िकल्टी भरा हुआ था और बड़ी कठिनाई से उसने ये जीत हासिल की थी ड्यू टू द जायता एंड कुंभा, क्योंकि जो जायता और जो कुंभा थे उन्होंने ना बड़ी बहादुरी से इस युद्ध को लड़ा था। तो ही सेड, उसने ये कहा था कि आई हैड नियरली लॉस्ट द सल्तनत ऑफ इंडिया, कि मैंने ना लगभग भारत की सल्तनत को खो दिया था। फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट, एक मुट्ठी बाजरे के रूप में, एक मुट्ठी मिलेट के रूप में, बाजरे के रूप में मैंने एक मुट्ठी बाजरे की कीमत पर इंडिया को खो दिया था। शेर शाह जो डाइड ड्यू टू द एन एक्सप्लोजन इन द गन पाउडर इन 1544, 1544 के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ, एक विस्फोट हुआ उसके गन पाउडर के अंदर, बारूद के तोपखाने के अंदर, और उस तोपखाने से वो ने विस्फोट के कारण वो शेर शाह मारा गया। शेर शाह के जो सुधार थे एंड बिल्डिंग्स आर फेमस, और जो उसके भवने बनाने की जो भवने बनाए थे उसने बिल्डिंग्स बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई हैं। ही ऑर्गेनाइज्ड लैंड मेजरमेंट, इसने लैंड मेजरमेंट को भी व्यवस्थित किया। एंड लगान ए टाइप ऑफ टैक्स, और लगान जो है ना एक प्रकार का जो कर हुआ करता था। एंड बिल्ट फोर बिग रोड्स, और इसने ना चार बड़ी सड़कें भी बनवाई थी अपने शासनकाल में। एंड सेवरल गेस्ट हाउस, और बहुत सारे है ना गेस्ट हाउस भी है ना लोगों को ठहरने के स्थान, धर्मशालाएँ वगैरह बनवाई थी। ये दिस लॉन्गेस्ट रोड, जो उसने सबसे लंबी रोड बनाई थी, वाज फ्रॉम द सोनार विलेज टू पेशावर, जो सोनार विलेज से लेकर के पेशावर तक थी, कॉल्ड ग्रांट ट्रंक रोड टुडे, आज उसको जीटी रोड के नाम से ना जाना जाता है, ग्रांट ट्रंक रोड बुलाया जाता है। इसने जो शेर शाह सूरी ने ही बनवाई थी, ही रिफॉर्म्ड ए कॉइन, उसने एक कॉइन भी है ना जारी किया था, मेंटिंग जो ढाला था, एंड इशूड ए कॉपर कॉइन ऑफ द 380 ग्रेन, 380 ग्रेन टॉय एंड ए सिल्वर कॉइन, जिसके अंदर उसने ना चांदी के सिक्के ऑफ 178 ग्रेन टॉय, मतलब 178 ग्राम का उसने ना चांदी का सिक्का ढाला था और 380 ग्राम का उसने तांबे का एक सिक्का ढाला था। तो ये सबसे पहले इसने ना सिक्के इसी ने चालू करवाए थे, शेर शाह सूरी ने। अब आता है अपना नेक्स्ट हेडिंग जो है वो अकबर, अकबर 1556 CE से लेकर के 1605 CE, मुग़ल साम्राज्य का जो सबसे चर्चित और है ना बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध या फेमस जो सम्राट हुआ है वो अकबर के रूप में जाना गया है, क्योंकि अकबर का एक अलग ही व्यक्तित्व था और इसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसने ना सभी धर्मों को ना लाइक किया, मतलब हिंदू धर्म को भी समान महत्व दिया और मोमडन तो ये था ही, मुस्लिम तो था ही, तो मुस्लिम धर्म को तो ये मानने वाला था ही, लेकिन इसने हिंदू धर्म के भी है ना और कई सुधार भी इसने किए।
जो इनके जो टैक्सेस थे उनमें भी इसने सुधार किए, वो हम इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे। देखिए, अकबर वाज बॉर्न इन 1542 CE। ये अकबर का जन्म 1542 CE को उमर कोट फोर्ट जो सिंध के अंदर था वहाँ इसका जन्म हुआ था, और लगभग 13 वर्ष की अवस्था के अंदर ये जो कलनौर नाम की जगह पर 14 फरवरी 1556 को बैरम खान ने इसे कोरोनेट रहिम मतलब इसका है ना इसको सम्राट बना दिया था, एंड बिकेम हिज गार्जियन, उसके गार्जियन के रूप मतलब संरक्षण के रूप में बैरम खान ने खुद का संरक्षण देते हुए और इसको 14 फरवरी 1556 को ने सम्राट बना दिया था 13 साल की उम्र में ही। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो टुक प्लेस बिटवीन हेमू अफगान कमांडर जो हेमू था और एंड बैरम खान और हेमू के मध्य ये लड़ा गया था 5th नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 CE को। हेमू वाज गिवन द टाइटल ऑफ राजा विक्रमजीत, हेमू को राजा विक्रमजीत का टाइटल भी है ना दिया जाता है, कि जब क्वेश्चन आता है कि भाई राजा विक्रमजीत कौन था तो वो है ना हेमू के बारे में ही बताते हैं कि हेमू को ही ये टाइटल दिया गया था। ही वाज द वेरी कोवेलर रूलर ऑफ द मोहम्मद आदिल शाह, तो ये जो मोहम्मद जो आदिल शाह था उसका एक बहुत ही सम्मानजनक ये शासक था। और द वर्ल्ड फेमस बैटल ऑफ द हल्दीघाटी, और हल्दीघाटी का जो संसार प्रसिद्ध जो युद्ध था वो टुक प्लेस बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर्स रिप्रेजेंटेटिव, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य ये लड़ा गया था इन 1576 1576 ईस्वी के अंदर बाई मानसिंह एंड आसफ खान, और मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में मुगल्स रिमेंड अनसक्सेसफुल। इस युद्ध के अंदर मुगल्स जो थे वो है ना पराजित हो गए थे, असफल हो गए थे। मुगल आर्मी गॉट डेसिसिव विक्ट्री, और मुगल आर्मी ने ना एक विनाशकारी विजय प्राप्त की ऑफ द है ना काबुल, काबुल के अंदर मिर्जा हाकिम, और कश्मीर के अंदर यूसुफ, सिंध के अंदर मिर्जा जानी बेग, और उड़ीसा के अंदर निसार खान के रूप में, खंदार के अंदर हुसैन एंड खल्लाद के अंदर अली खान के रूप में। द मुगल आर्मी कन्फ्रंटेड द फियर्स अपोजिशंस ऑफ द चांद बीबी, और इसने चांद बीबी के खिलाफ भी मुगल फौज ने उसने मोर्चा संभाला एंड गेंड विक्ट्री ऑन द अहमदनगर, और है ना इस प्रकार से अहमदनगर को भी है ना उसने जीत लिया। दिस वाज द अकबर्स लास्ट विक्ट्री, और ये जो है ना अकबर की अंतिम विजय थी, मतलब अहमदनगर को जीतना अकबर की है ना अंतिम विजय थी। अब्दुल रहीम वाज एंटाइटल एज ए खाने खाना, अब्दुल रहीम था उसको है ना खाने खाना के रूप में है ना जाना गया था। ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ द यूसुफ जिक्स एंड ऑफ द 9 जेम्स ऑफ द बीरबल हैड डाइड, जब वो ना उसके जो 9 जेम्स थे वो जो नवरत्न के रूप में जाने गए थे उनके उसके युद्ध के दौरान हैड डाइड, तो जो इसमें बीरबल भी है ना वो मारा गया था। अकबर डाइड इन 1605 CE 1605 के अंदर है ना अकबर की भी मौत हो गई थी, और इसने अपनी बीमारी के कारण, और ही वाज बरीड एट द टॉम्ब ऑफ द सिकंदरा, और सिकंदरा जो आगरा के पास में एक जगह है वहाँ सिकंदरा के टॉम्ब में गुम्बद में इसको बरीड दफना दिया गया था। ही बिल्ट इबादत खान, उसने इबादत खान एट फतेहपुर के अंदर है ना इबादत खान फतेहपुर सीकरी के अंदर टू कंडक्ट रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों के अंदर जो इबादत खान नाम की ने जगह को बनाया था। ही एनफोर्स्ड ए रिलीजियस नेम्ड दीन इलाही, उसने एक नया धार्मिक नाम है ना अपने आप को दीन इलाही के रूप में वो चर्चित हुआ इन 1581 CE को।
थ्रू वोटिंग करके और उसने ना अपने आप को दीन इलाही के रूप में घोषित कर दिया। राजा बीरबल जो था वो पहला हिंदू था जिसने ना इस धर्म को स्वीकार किया था। शेख मुबारक अनाउंस्ड अकबर एज ए इनाम अली आदिल। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल के रूप में अर्थात मैयत ऑफ हिंद तो मतलब मैयत हिंद के रूप में ना इसको पुकारा गया जिसका इनाम आदिल का रूप में। अबुल फजल बाज हेड प्रीस्ट ऑफ दीन इलाही। अबुल फजल जो था वो दीन इलाही का है ना मुख्य पुजारी था। इन 1583 1583 के अंदर ही इशूड ए कैलेंडर इलाही इरा। उसने इलाही इरा के रूप में इलाही युग के रूप में एक कैलेंडर जारी किया था। कछवा रूलर बरमाल और जो कछवा शासक जो बरमाल था बाज द फर्स्ट राजपूत रूलर। ये पहला राजपूत शासक था जिसने ना एंटर इनटू एलियंस विद अकबर जिसने अकबर से जाकर के ना संधि की थी। इन 1564 को इसमें अकबर एबोलिस्ट जजिया टैक्स। अकबर ने है ना जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया था कम्प्लीटली पूर्णतः जो हिंदुओं पर लागू हुआ करता था। हिंदुओं को है ना किसी भी धार्मिक यात्रा करने पर ये टैक्स के रूप में ना कुछ भुगतान इसको मुगल साम्राज्य को देना पड़ता था तो वो टैक्स इसने है ना ख़त्म कर दिया था। फतेहपुर सीकरी रिमेंड द रॉयल कैपिटल फ्रॉम 1561-1584 1569 से लेकर के 1584 तक फतेहपुर सीकरी को इसने ना कैपिटल घोषित किया था राजधानी बनाया था अपने साम्राज्य की। बुलंद दरवाजा बिल्ट इन साउथर्न गेट ऑफ मॉस्को और इस मॉस्को का इस मस्जिद का जो बुलंद दरवाजा के रूप में जो दक्षिणी भाग में बना हुआ जो गेट था वो कॉमन ऑरेट अकबर्स विक्ट्री वो है ना अकबर की विजयों को जो गुजरात पर उसने की थी उसकी याद में ना ये बनाया गया था। अब आता है आपका जहांगीर जो अकबर का पुत्र था और ये 1605 सी से लेकर 1627 सी तक इसने शासन किया था। आफ्टर द नेम ऑफ द शेख सलीम के नाम के बाद में जो शेख सलीम चिश्ती ही वाज नेम सलीम। इसका नाम सलीम था और इसको है ना सलीम के नाम से ही है ना उस चिश्ती के नाम से इसको जाना गया था। ही हैड ऑप्टेन 12,000 मनसब्स। इसने लगभग 12 मनसब है ना धारण किए थे। सलीम हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर इन 1599 के अंदर सलीम ने अकबर का विरोध किया मतलब अकबर के विरुद्ध खड़ा हो गया लड़ने के लिए। अकबर सेंट अबुल फजल इन 1602 सीई के अंदर और 1602 के अंदर अकबर ने अबुल फजल को भेजा था बट जहांगीर किल्ड हिम लेकिन जहांगीर ने उन्होंने उसको मार दिया था। इन 1605 सी 1605 ईस्वी के अंदर ही गेन द टाइटल ऑफ द नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। उसने 1605 ईस्वी के अंदर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के रूप में अपना टाइटल लेना रखा बादशाह के रूप में एंड ऑक्यूपाइड द मुगल थ्रोन और मुगल सिंहासन पर इसने कब्जा कर लिया एट आगरा के अंदर आगरा फोर्ट के अंदर इन 1605 सी 1605 ईस्वी के अंदर। जहांगीर बिल्ट द पीकॉक थ्रोन। जहांगीर ने एक मयूर सिंहासन का निर्माण किया जिसको तख्ते ताऊस के नाम से जाना गया था। ही हैड सेंटेंस्ड सिख गुरु। उसने सिख गुरु जो अर्जुन देव थे उनको मृत्यु के घाट उतार दिया था मतलब उनको मौत लटका दिया था फांसी पर। जहांगीर विक्ट्री अपॉन कंधार। जहांगीर की जो विजय थी वो कंधार के ऊपर इज रेगर डाइट टू बी द सिग्निफिकेंट फ्रॉम मिलिट्री जो उसकी मिलिट्री की व्यवस्था को बताती हैं एंड कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू और उसके है ना कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को भी है ना दर्शाते हैं। इन 1611
और 1611 किसी के अंदर ही वॉज मैरिड टू विडो मेहरुन्निसा हु वॉज द लेटर एडॉर्न विद द टाइटल ऑफ द नूरजहाँ। 1611 ईस्वी के अंदर एक जो विधवा थी उससे उसकी शादी हुई जिसका नाम था मेहरुन्निसा और बाद में उसने अपने आप को नूरजहाँ के नाम से घोषित किया एंड नॉन बादशाह बेगम और वो बादशाह बेगम के रूप में चर्चित हुई। जहांगीर डाइड इन 1627 ईस्वी।